ओके सो पार्ट में जो है बेसिकली वी हैड हैड कवर्ड अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ द द दिल्ली सल्तनत एंड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी बेसिक डाटा ऑन म्यूजिक पेंटिंग लिटरेचर तो अब बस एक ही टॉपिक बचा है दैट इज रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम एंड रिलीजियस डेवलपमेंट आर क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज यही पीरियड ऑफ टाइम में अल्टीमेटली पूरा का पूरा भक्ति एंड सूफी मोमेंट जो है वो आ गया था राइट right? या yeah. तो लेट्स गो एक एक करके ठीक है सो so, ज्यादा बड़ा नहीं है इसको जल्दी से रेप रैपअप कर लेते हैं As far as socio-religious movements are concerned, then obviously this was the period of the growth. We can say that for the first time, South India जो है इसमें seven to ten century के around जो है ये सारी की सारी socio-religious movement जो है वो चालू हुई थी. And it was a period of the growth in South India. यही period में Chola dynasty जो South India में काफी significant level पे आ चुकी थी. And फिर इसी के बाद ultimately ये socio-religious reform moment है वो आ गया. Obviously जब आपकी society rich बनेगी सोसाइटी के हाथ में पैसा आएगा देन सोसाइटी सर्टन सॉर्ट ऑफ द द रिफॉर्म इन रिलीजन ये सेम प्रोसेस हम लोगों ने एंशियंट में भी देखा था ड्यूरिंग द द द टाइम ऑफ महाजनपदा जब बेसिकली लोगों के हाथ में पैसा आया सोसाइटी बिकम महाजनपद सो एट दैट टाइम अल्टीमेटली फिर हेट्रोडॉक्स सेक जो है ये बेसिकली आने चालू हो गए तो हेट्रोडॉक्स सेक जो है वो भी बेसिकली वेन पीपल बिकम अपलिफ्टेड पीपल बिकम मटीरियली रिच तब आने चालू हुए तो वैसे ही साउथ इंडिया में बाय द टाइम पीरियड ऑफ द सेवन एट नाइन टेंथ सेंचुरी एक मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आई बिकॉज ऑफ द छोल डायनेस्टी एंड देर इलेबोरेट आउट बाय द छोल डायनेस्टी एंड फ्रॉम दैट पीरियड ऑनवर्ड इट सेल्फ ये सारी की सारी जो है सेवन सेंचुरी ऑनवर्ड ये भक्ति मोमेंट जो है वो चालू हुई देर आफ्टर फिर सोशियो रिलीजियस कंडीशन बाई थर्टीन सेंचुरी नॉर्थ इंडिया में थर्टीन सेंचुरी में कुछ ऐसी कंडीशन थर्टीन सेंचुरी के अराउंड डेवलप्ड हुई जिसकी वजह से सोशियो रिफॉर्म मोवमेंट या फिर भक्ति मोमेंट जो साउथ इंडिया में पहले से ही प्रेजेंट था और वो नॉर्थ में आना जो है चालू हुआ वो कौन से डेवलपमेंट थे जो आप थोड़े टाइम में देखेंगे एंडर आफ्टर इंडिपेंडेंट मोवमेंट एंड इन दैट कैपेसिटी दिस मोमेंट्स ओके दे हैव बीन सीन एज अ कंटिन्यूएशन और रिवाइवल ऑफ द ओल्डर साउथन इंडियन मोवमेंट बट हर जगह पर हम लोग को कोई ना कोई तो नए एलिमेंट जो है नॉर्थ इंडिया में दिखे हैं सो बेसिकली बेस में यही याद रखना है कि दिस देंटर भक्ति मोवमेंट जो है इट्स स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया एंड आफ्टर इट स्प्रेड इन टू नॉर्थन इंडिया अब ये बैकग्राउंड हमने पहले वाले लेक्चर्स में इलेबोरेट कवर किया है एंशियट इंडिया में आई है टोल्ड यू द फैक्टर्स हिंदू रिलीजन एंड वो रिवाइवलिज्म के साथ साथ शंकराचार्य की फिलोसॉफी रामानुजा की फिलोसॉफी एंड माधवाचार्य की फिलोसॉफी इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है बिकॉज ऑफ़ द फिलोसॉफी ऑफ दिस थ्री ग्रेट लीडर अल्टीमेटली हिंदू रिलीजन जो है village village आत्मा ब्रह्मांड दैट इज ब्राह्मण अल्टीमेटली दोनों चीजें जो है उसको अल्टीमेटली बॉडी आफ्टर गॉड से किया गया इन वन सिंगल लाइन जो द्वैत है रामानुजा का फिलोसॉफीमेंट दैट इज बेसिकली ब्राह्मण एंड एंडर आफ्टर फिर आत्मन आत्मन इज सोल ब्राह्मण इज ब्रह्मांड ये आत्मन एंड ब्राह्मण का मिलप जब होगा दैट इज सोल जो है ब्रह्मांड से जब मिलेगी तब जाके मोक्ष मिलेगा बट सोल किस में है बॉडी में है ब्रह्मांड की धर एक मूर्ति में है तो डेडिकेट योर एंटायर लाइफ टू दैट मूर्ति सो वंस यू हैव डाइड फिर आपका अर्थली प्लेजर से कोई वैसे भी नाता नहीं रहा है वेन यू वर अलाइव आपने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो भगवान को मूर्ति को समर्पित कर दी है तो आपका सोल जो है वो भगवान के पास मतलब ब्रह्मांड के पास चला जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग सेल्वेशन तो ये वाली फिलोसॉफी की वजह से अल्टीमेटली साउथ इंडिया में देर वॉज रिवाइविज ऑफ द आर्यनिकल और ब्राह्म्य निकल और हिंदू रिलीजन से हिंदू रिलीजन जो है ये जो रिफॉर्म अब चालू हुआ ये रिफॉर्म अब नॉर्थ इंडिया में भी जाने वाला था तो वन बाय वन सबसे पहले भक्ति मूवमेंट जो साउथ इंडिया में आई वो यही अलवार एंड नैनार सेंस के थ्रू आई थी जिनको पर हमने इलेबोरेटली बात भी की बट बहुत प्लेन एंड सिंपल टर्म में बाय द टाइम ऑफ द सेवन सेंचुरी ऑनवर्ड साउथ इंडिया में जितनी भी डायनास्टीज हमको मिली है मेजोरिटी ऑफ दोस्टीज ब्राह्म्य निकल एंड that's why इट इज ऑलवेज कंसर्न कि जो ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज जो फैलना चालू हुई तब जाके अल्टीमेटली ब्राह्मिनिकल किंग आए टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द छोल डायनेस्टी इट इसके ऊपर मैंने आपको तभी भी बताया था जब हमने एंशंट एंड मीडिया के लेक्चर किए थे कि छोल डायनेस्टी में पिक्यूलैरिटी देखी गई है कि पीपल और किंग इज तमिल बट अल्टीमेटली तमिल के साथ साथ एक ब्राह्म्यल नाम जो है वो भी उसने लेके रखा है जैसे पोन सेल्वन राजा राजा वन तो इन दैट कपैसिटी किंग जो है सिंस ही वॉज द पेट्रोनाइजर ऑफ द रिलीजन तो ब्राह्मिनिकल रिलीजन जो है साउथ में परकोलेट होना चालू हुआ एंड मोस्ट ये अलवार नई नारेंट इनको भी पेट्रोनाइजेशन के जो रूलर है उन्होंने ही दिया होगा ये अलवार सेंट वैष्णविज्म के फॉलोअर थे suggests, तो ये जो अलवार एंड नईनार सेंट है इन्होंने फिर विलेज विलेज में गए विलेज विलेज में जो लोकल डेइटीज थी उनको पैंथियन दैट इज शिवा फिर विष्णु का अवतार बताना चालू किया एंड डैट इज अव अल्टीमेटली कंसेप्ट ऑफ अवतार विच वॉज डेवलप बाय द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्ता ये भी हमने पहले ही देखा था इट हेल्प इन द पर्कुलेशन ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड फिर ये सारी चीज़ें जब साउथ इंडिया में चालू हुई तब यही वाली मोवमेंट जो है नॉर्थ इंडिया में जाने वाली थी एंड दैट्स आई दैट स्टेटमेंट अल्टीमेटली नॉर्थ इंडिया की भक्ति मूवमेंट जो है उसको साउथ इंडिया का एक एक्सटेंशन बताया जाता है जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था बट वॉज इट रियली एन एक्सटेंशन दैन नो बिकॉज नॉर्थ इंडिया में जब ये भक्ति मूवमेंट फैली देन नॉर्थ इंडिया की भक्ति मूवमेंट है वो रिफॉर्मिस थी साउथ इंडिया की भक्ति मूवमेंट कभी रिफॉर्मिस नहीं थी साउथ इंडिया की भक्ति मूवमेंट वो जस्ट टू तो टेल तो पीपल की भक्ति करो एंड हिंदू रिलीजन का पार्ट बनो नॉर्थ इंडिया में हिंदू रिलीजन पहले से ही परकुलेटेड था नॉर्थ इंडिया में ये हिंदू रिलीजन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो है वो निकालने का काम जो है भक्ति सेंट ने नॉर्थ इंडिया में किया एंड दैट द डिफरेंस वी कैन से दैट तो जो भक्ति मोवमेंट जो साउथ इंडिया में चल रही थी उसके यही लिमिटेशन रहे हैं कि इन्होंने ना कास्ट सिस्टम का कभी ओपन क्रिटिसिज्म किया ना इन्होंने ब्राह्मणिज्म को कभी अपोज किया एंड फिर रिचुअलिज्म एंड सेरेमनी जो है दैट इज बेसिकली जो सेक्रीफाइजेस जो होते थे सेक्रीफिशल ब्राह्मनिकल रिलीजन हुआ करता था उसको भी अल्टीमेटली इन्होंने सपोर्ट करके रखा था एंड दिस वे आर द लिमिटेशन बट अचीवमेंट वही थी कि एज फार एज अचीवमेंट इज कंसर्न दैन जो लो कास्ट मतलब ऑब्वियसली सारे के सारे साउथ इंडिया के लोग जो नॉन आर्य निकल थे तो जो लोअर कास्ट शूद्र या फिर वैश्य हो सकते हैं इनको हिंदू रिलीजन में ला के उनको एक्सेस ऑफ रिलीजन जो है वो प्रोवाइड करने का काम जो है ये अलवार एन नयनार सेंट ने करके रखा था एंड यही अलवार एन नईनार सेंट जो है उनकी पॉपुलरिटी जो है अल्टीमेटली जो है धीरे धीरे जो है अब वो एक तो बढ़ने वाली थी भैया कहाँ पे नॉर्थ में एंड घटने वाली थी साउथ में बिकॉज साउथ में भी प्रोसेस खत्म हुआ अब ये धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ जो है वो चलेगा तो सबसे पहले जो है भक्ति मोवमेंट इन साउथ इंडिया जो है ओके इन इट वॉज वेन द डॉक्ट्रीन ऑफ द भक्ति वॉज डिफॉन्डेड बाई द वेरियस वैष्णव आचार्य जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था रामानुज बाय द टाइम ऑफ द सेवेंथ सेंचुरी ये पूरी की पूरी मोवमेंट चालू हुई थी भक्ति मोवमेंट इन साउथ इंडिया रामानुज का टाइम पीरियड हमने पहले ही देखा था इट वॉज इलेवेंथ सेंचुरी बाई द टाइम पीरियड ऑफ द इलेवेंथ सेंचुरी जब भक्ति मोवमेंट की पॉपुलरिटी ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गई थी साउथ इंडिया में तब जाके अल्टीमेटली ये भक्ति मोवमेंट के जो सेंट थे ब्राह्मिनिकल पीपल थे साउथ इंडिया के उन्होंने भक्ति मोवमेंट के अर्लीस्ट वर्जन देना चालू किए जिसमें रामानुजा वाला वर्जन काफ़ी सिग्निफिकेंट है तो बीट रामानुजा या फिर बीट निम्बकारा अल्टीमेटली सब भिक्स, बेसिकली जो है भक्ति के ऊपर जो है क्या कर रहे थे फोकस कर रहे थे एंशंट टाइम पे भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि अगर हम लोग बेसिकली महावैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड से लेके अल्टीमेटली मौरियंस पीरियड तक ये जो पूरा का पूरा ब्राह्मणिकल रिलीजन था वो सेक्रीफिशियल रिलीजन था यही सेक्रीफिशियल रिलीजन जो है अल्टीमेटली गुप्ता पीरियड में जो है प्रॉपरली रिवाइव हो गया था तो गुप्ता पीरियड में जब रिवाइवल ये सेक्रीफिशियल रिलीजन का हो गया एन तो गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड मल्टीपल उन्वर् सेक्रीफाइजेस प्लस मैल प्रैक्टिस दोनों हिंदू रिलीजन का पार्ट भी बनी थी हमने ये भी पढ़ लिया था एंड ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर रिलीजन में जब मैल प्रैक्टिस आ जाती है तो एक तो वो रिलीजन को लैप्स होगा या फिर रिफॉर्म होगा फॉर्चुनेटली फॉर आवर रिलीजन वी कैन से डेट हमारा रिलीजन रिफॉर्म हुआ एंड यही रिफॉर्मिज्म जो है इनिशियल लेवल पे एथ सेंचुरी में कैरी आउट किया था आदि शंकराचार्य ने तो आदि शंकराचार्य की जो द्वैत फिलोसॉफी जो थी काफी सिग्निफिकेंट थी एंड फिर यही आदि शंकराचार्य की द्वैत फिलोसॉफी के ऊपर विशिष्टता द्वैत फिलोसॉफी देने का काम जो है रामानुजन ने किया इन इलेवेन्थ सेंचुरी बट जो फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल हुई नॉट पॉलिटिकल चर्निंगल फिलोसॉफिकल चर्निंग जो हुई हिंदू रिलीजन के अंदर इसका जैसे नए नए आइडियाज आए एंड यही नए आइडियाज की वजह से वी कैन से डेट हिंदू रिलीजन सवाई भी हुआ एंड एंडर आफ्टर ये रिलीजन जो उसकी आइडियोलॉजी स्प्रेड भी हुई आदि शंकराचार्य वॉज पर है फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बोला था कि भाई भक्ति मार्ग के ऊपर जाओ भक्ति मतलब क्या होता है? रिलीजन होता है? है, ये भी काम शंकराचार्य ने किया था एथ सेंचुरी में यह आइडियोलॉजी परकोलेट हुई इसको फर्दर एक स्टेप आगे लेके जाने का काम जो है रामानुजन ने किया रामानुजान ने मूर्ति पूजा जो है इलेबोरेट लेवल पे सपोर्ट करके उनको पूरे इंडिया में फैलाने का काम जो है वो किया एंड आफ्टर फिर निम्बकारा वॉज ऑल्सो देयर वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ द रामानुजा एंड फिर निम्बकारा जो है बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ये भक्ति या फिर डिवोशन जो है उसको प्रोपोगेट कर रहे थे जब रामानुजा साउथ में थे तो निम्बकारा के एसट फिलोसॉफी नहीं है जस्ट फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखना कि बोथ ऑफ देम वेयर कंटेम्प्रेरी एंड निम्बकारा नॉर्थ में थे तब रामानुजा साउथ में थे रामानुजा ने तो एलैबोरेट फिलोसॉफी दी बट वही फिलोसॉफी के एज पर और अकॉर्डिंग नॉर्थ में जो है निम्बकारा काम भी कर रहे थे दर आफ्टर माधवाचार्य के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी माधवाचार्य जो है ऑब्वियसली थर्टीन सेंचुरी में आए थे तो लाइक रामानुजा ही डिड नॉट डिस्प्यूट द ब्राह्मिनिकल रेस्ट्रिक्शन ऑन वैदिक स्टडी तो मतलब ब्राह्मी थे सारे के सारे तो दैट्स तो अ वर्ना के ऊपर जो इनका बिलीव जो था वो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग था एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली रिलीजियस प्रिंसिपल जो है उसको क्रिटिसाइज ये लोग ज्यादा नहीं किया करते थे बस रिलीजियस फिलोसॉफी बताया करते थे बी इट आदि शंकराचार्य दर आफ्टर रामानुजा आफ्टर माधवाचार्य ये लोगों ने कोई रिलीजियस रिफॉर्म नहीं किए थे ये सारे साउथ इंडिया के ही पीपल थे एंड इन इन दैट कैपेसिटी रिफॉर्म में इतना लोगों ने यकीन नहीं रखा था बस हाउ डिस पर्टिकुलर रिलीजन विल स्प्रेड इन साउथ इंडिया उसके ऊपर इन्होंने फिलोसॉफिकल चेंजेस किए थे एंड यही फिलोसॉफिकल चेंजेस की सेक्रीफाइस मत करो भक्ति करो एंड विथ इन भक्ति जो है अल्टीमेटली एक तो आप मन से मानो या फिर मूर्ति पूजा करो मन से अगर आप मान रहे हो तो आदि शंकराचार्य के फॉलोवर है मूर्ति पूजा अगर आप कर रहे हो देन ऑब्वियसली आप रामानुजा के फॉलोवर हो तो दिस डिफरेंट प्रिंसिपल जो है वो इन्होंने देना जो है चालू कर दिया था एंड आफ्टर फिर अदर प्रोमिनेट आचार्यो रामानंद वल्लभचार्य एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट अब यही भक्ति मूवमेंट जो साउथ इंडिया में चल रही है सेवन सेंचुरी ऑनवर्ड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजन जो अभी हमने देखे अब यही भक्ति मूवमेंट जो अब नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होने वाली थी तो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली स्प्रेड होने का जो टाइम पीरियड है वो थर्टीन सेंचुरी ऑनवर्ड था ये क्यों था इसका भी एक रीज़न है बिकॉज हमने पहले ही देखा था पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कि सेवेंथ सेंचुरी ऑनवर्ड नॉर्थ इंडिया में एक पॉलिटिकल पावर थी दैट इज राजपुताना राजपुताना जब तक नॉर्थ में थी देन ऑब्वियसली उनके पहले से हिंदू रिलीजन नॉर्थ में परकोलेट हो गया था एंड फिर ये जो है बेसिकली एंशंट रिलीजन मतलब बेसिकली सनातन धर्म मतलब बेसिकली जो सेक्रीफिशियल हिंदू रिलीजन है उसी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग थे एंड इन दैट कैपेसिटी राजपूताना में ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस हमेशा से ही ज़्यादा रहा है एंड दैट्स ऐ फिर नॉर्थ का जो मूवमेंट है वो बेसिकली सेवन सेंचुरी से लेकर ट्वेल्थ सेंचुरी तक आ ही नहीं पाया बिकॉज ये सेवन सेंचुरी से ट्वेल्थ सेंचुरी में जो सनातन धर्म या फिर बेसिकली ओल्ड सेक्रीफिशियल रिलीजन जो नॉर्थ में चलता रहा एंड ब्राह्मीनिकल मोनोपोली जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी पे बनी हुई थी साउथ इंडिया में ये पीरियड में हिंदू रिलीजन या फिर आर्यनिकल रिलीजन जो वो स्प्रेड हो रहा था एंड इसको स्प्रेड करने के लिए मदद करने के लिए अल्टीमेटली भक्ति मार्ग वाला जो प्रिंसिपल uh, जो है ये मल्टीपल सेंट ने जैसे कि सो फॉर एग्जाम्पल आदिशंकराचार्य रामानुजा दर आफ्टर माधव इन्होंने बनाए रखे बट अल्टीमेटली इनकी जो फिलोसॉफी जो है इट वॉज अपीलिंग टू द मासिस एंड दैट से टुचुरी में जब बेसिकली ना कोलेप्स हुआ इस्लामिक रूल इंडिया में आया एंड इस्लामिक रूल आने के बाद ब्राह्मीकल मोनोपोली चली गई ब्राह्मण का जॉब्स चला गया बेसिकली तब जाके अल्टीमेटली यही ब्राह्मण जो है अब ये भी अपना बेसिकली विलेज विलेज में जो है स्प्रेड होने चालू हो गया बिकॉज ऑफ सेंटर में कोई जॉब बचा नहीं है तो विलेज में जाके बेसिकली हम लोग क्या करेंगे जॉब जो है लेंगे एंड इन दैट कैपेसिटी जो अब बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जो चर्निंग हुई रिलीजियस प्रिंसिपल में यही ब्राह्मणाज ने अल्टीमेटली विलेज विलेज में जाके की एंड इन दैट कैपेसिटी ब्राह्मणा के दो सेक्ट अल्टीमेटली पड़ गए एक एक हो एंड आफ्टर ऑर्थोडॉक्स तो पर्टिकुलर सेक्शन जो हमेशा ऑर्थोडॉक्स रहा है जो सनातन धर्म वाले प्रिंसिपल ही क्या कर रहे हैं एंड है। फिर एक रिफॉर्मिस्ट सेक्शन आया जिन्होंने साउथ इंडिया से प्रिंसिपल सीखे एंड फिर ये प्रिंसिपल में रिफॉर्म भी डाल दिया कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए वॉयलेंस नहीं होना चाहिए एंड ये प्रिंसिपल डाल के उनको नॉर्थ में फैलाने का काम जो है इन्होंने चालू कर लिया तो दैट्स इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंटर वो हमेशा से ही रहा है जब ये बेसिकली भक्ति मोवमेंट जो है ये पूरी की पूरी नॉर्थ में फैलना चालू हो गई आफ्टर कोलैप ऑफ राजपूत वी कैन से दैट एंड वही है कि फैक्टर्स बिहाइंड राइज सबसे पहले जो हॉस्टिलिटी थी राजपूत ब्राह्मणिकल अलायंस की वो कोलैप्स हो गई ये लोग जब तक थे तब तक इनके पास पॉवर थी कोई भी रिफॉर्म एंड कोई भी फिलोसॉफिकल नहीं करते थे power, only, कि मोनोपोली, मोनोपोली, के रहे, no जैसे इनकी पावर चली गई सुल्तान आए देन सुल्तान ने रिलीजियस नॉन इंटरफेरेंस वाला प्रिंसिपल पहले से अडोप्ट करके रखा था हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम का 712 का जो इन्वेजन था तभी पॉलिसी ऑफ जिम्मी के थ्रू हिंदू लोग जो है हमारे टेरिटरी में रहे बट रहने के साथ साथ हायर टैक्सेशन दे एंड फिर हम उनको रिलीजियस ऑटोनॉमी दे, दे देंगे एंड दैट्स सर फिर ये लोगों ने दैट इज सुल्तानों ने कभी भी हिंदू रिलीजन में ऐसे सच इंटरफेरेंस नहीं किए तो अब बेसिकली नॉर्थ में इस्लामिक रूल आ गया मतलब ब्राह्मणी का रूल चला गया ब्राह्मण चले गए एंड जैसे ही ब्राह्मणों की मोनोपोली चली गई साउथ की फिलोसॉफी अब नॉर्थ में फैलनी चालू हुई बस नॉर्थ के लोगों ने या फिर नॉर्थ के फिलोसॉफर्स ने इसमें रिफॉर्मिज्म भी लाना चालू कर दिया तो एंड ऑफ द सुप्रीमसी ऑब्वियसली ब्राह्म्य निकल मतलब लोग जैसे ही चले गए देन ये चीजें सारी पॉसिबल हुई डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल वॉज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट जैसे भगवान जो है इट इज अ दैवी शक्ति देवी शक्ति वाला कंसेप्ट हमेशा से ही हर एक सोसाइटी में रहा है अगर आप कोई भी रिलीजन को बोलो कि भाई गॉड के पास एस सच पावर नहीं है वॉज अ पर्सन वॉज अ एथिकल पर्सन देन लोग नहीं मानते लोग हमेशा ही बिलीव करना चाहते कि भगवान के पास चमत्कार करने की शक्ति होती है एंड ऑब्वियसली फिर चमत्कार अगर भगवान कर सकता है देन टेम्पल बिकम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिकॉज टेम्पल जो है उसमें भगवान रहते हैं एंड फिर भगवान जो है लोगों को बूंस या फिर बेनिफिट देते हैं या फिर वरदान देते हैं बट अब जैसे ही टेम्पल डिस्ट्रक्ट होना चालू हो गया देन ऑब्वियसली पीपल ऑल्सो स्टार्ट टू रियलाइज कि ये दैवी शक्ति वाली जो कंसेप्ट है ये फ्लॉड है इन दैट कैपेसिटी अगर भगवान सही में रहते टेम्पल टूटते ही नहीं एंड इन दैट capacity पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज कि ब्राह्मण हमको बेवकूफ़ बना रहे थे जो ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड ब्राह्मण का कहना था कि भाई दे आर इन कॉन्टेक्ट विद गॉड एंड गॉड को कह के वो आपको बेसिकली वरदान दे सकता है बस सेक्रीफाइस करो दान दक्षिणा करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता टेम्पल ही ब्राह्मण प्रिवेंट नहीं कर पाए टेम्पल डिस्ट्रप्शन अगर भगवान भी होते तो भगवान अगर वो मंदिर में रहते तो टेम्पल कैसे टूटता एंड दिस इनिशियल लेवल का लोगों में जो क्रिटिसिजम चालू हुआ वी कैन से दैट इसको आप इंडिया का अर्लीस्ट वर्जन ऑफ रेनेसो भी बोल सकते हैं बट इन एनी केस अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज कि ब्राह्मनिकल मोनोपोली इज बैड एंड दैट इज अब अल्टीमेटली रिफॉर्म जो है वो अब हिंदू रिलीजन में आने चालू हो गए एंड दैट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिलीफ ऑफ द डिवाइनिटी ऑफ द गॉड तो भगवान है हम भगवान को मानते भी है बट भगवान जो है वो एथिकल पर्सन है ये आपको मानना पड़ेगा नॉट भगवान इज बेसिकली पर्सन एंड दैट डिफरेंस सम वेर डॉन द लाइन लेट टू द भक्ति मोवमेंट या फिर रिफॉर्म मोवमेंट इन नॉर्थ इंडिया दे आर आफ्टर फिर डिप्राइवेशन ऑफ द वेल्थ राइट जब ब्राह्मिंस जो है ऑब्वियसली उनको जो बेसिकली मटेरियल एंड आइडियोलॉजिकल दोनों लॉस जब हुए तो जब देन ऑब्वियसली फिर उसके बाद जो इवन ब्राह्मिनिकल पीपल टर्न तो रिफॉर्मिट बिकॉज ऑफ इनको बेसिकली विज विलेज लेवल पर जाना पड़ा एंड ऑब्वियसली जब ये विलेज लेवल पे जाएंगे तो देन विलेज पे मैक्मम पॉसिबल शुद्रास की ही है एंड इन दैट कैपेसिटी ब्राह्मण जो पहले सिटी में बैठ के सारी चीजें मैनेज करते थे अब जब उनको विलेज में जाना पड़ा देन उनके लिए ये बन गया सबसे बड़ा कस्टमर वीकेंट तो ऑब्वियसली जो पहले से लोग बोल के रखते थे कि भाई इन करो एक दूसरे के साथ मत रहो कास्टिज्म वर्ण व सिस्टम में बिलीव करो अब उसका फायदा ब्राह्मणों को नहीं हो रहा था वो हो रहा था कब तक जब राजा इनको पैसे दे रहा था अब राजा ही चला गया इनकी पावर चली गई तो विलेज में जाके इंटरमिंगलिंग करनी पड़ेगी तो देट ब्राह्मणिकल सेक्शन ऑल्सो अलाउड

आपकी सोल तृप्त होगी सोल तृप्त होने के बाद अल्टीमेटली उसको सेल्वेशन मिलेगा यही फिलोसॉफी जो है ये नाथ नाथ की थी जो जो है इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ द रिफॉर्मिस्ट ब्राह्मणा के अगेंस्ट जाके काम करने वाला था बिकॉज ब्राह्मणा में जो जंगल में भटकते थे उनको आप नाथपंथी बोलोगे जो सिटी में अर्बन टाउन में बैठ के राजा के लिए काम करते थे वो प्रॉपर ब्राह्मणास थे वो कंजर्वेटिव थे, थे बट ये लोग जो है बेसिकली रिफॉर्मिस्ट ही थे इनका भी बेसिकली प्रेजेंट जो है सोसाइटी में थर्टीन सेंचुरी ऑनवर्ड जो है बढ़ने लग गया क्यूमिलिटिव इम्पैक्ट इन सारे रीजन का जो था वो था राइज ऑफ द भक्ति मोवमेंट इन नॉर्थ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया साउथ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट हुई वो साउथ इंडिया की जो भक्ति मूवमेंट है उसमें बस रिलीजन स्प्रेड हुआ नॉर्थ इंडिया की भक्ति मूवमेंट में रिलीजन रिफॉर्म हुआ एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ का पूरा का पूरा मूवमेंट देयर आफ्टर फिर सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स मल्टीपल फैक्टर जो है उसमें ये पॉलिटिकल फैक्टर्स अभी हमने देख लिये अब सोशो इकोनॉमिकल देखते हैं, है एसर आज सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स आर कंसर्न देन अपोजिशन टू फीडालिज्म अब इंडियन वर्जन ऑफ द फिडालिज्म हमने पहले ही देखा था स्टार्टिंग फ्रॉम गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड जो है प्रॉपर फिडालिज्म हुआ हर्षवर्धन के टाइम पर यह सामंत महासामंत ऐसी कैटेगरी आनी चालू हो गई एंड जब आप सामंतवाद फीडालिज्म की बात करोगे Then ये या फिर फ्यूडल लॉर्ड है कौन हमने इंडियन वर्जन ऑफ फीडालिज पहले ही देखा था जिसमें चालू हुआ ये जो है ये अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे मल्टीपल लोगों ने करना चालू कर लिया एंड ऑपोजिशन टू फीडालिज्म जैसे ही हुआ देन ऑब्वियसली वो शूद्र मतलब जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है उसको क्या करेगा अपील करेगा ही वॉज पहले से ऑपरस पर्सन तो एक बंदा आ रहा है अब ये बंदा रिफॉर्मिस्ट है ये बंदा जो है बेसिकली भक्ति मोवमेंट वाला है एंड वो बंदा अगर आपको बोल रहा है कि भाई ये फ्यूडलिज्म गलत है लोग रेडिली सपोर्ट करेंगे एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि भाई भक्ति मोवमेंट स्प्रेड ये भक्ति मोवमेंट ने अल्टीमेटली लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको क्रिटिसाइज करना या फिर लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है चालू कर लिया एंड दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट दैर आफ्टर दे ऑल्सो प्रीच इक्वेलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन से दैट हिंदू रिलीजन में कोई तो ऐसा एक सेक्ट आया कोई तो ऐसी एक मोमेंट आई जिसमें अब इक्वेलिज्म की बातें जो है करना चालू हो गई तो जितने भी भक्ति सेंट है उसमें से मेजोरिटी ऑफ द भक्ति सेंट है उन्होंने इक्वैलिटी बेस्ड या फिर इक्वैलिटी की बातें जो है करना चालू कर ली मल्टीपल सोशल रिफॉर्मिस्टर देयर देखेंगे भी अभी ऐसा नहीं था कि सारे के सारों ने इक्वैलिटी की बातें की उसमें से मेजोरिटी जो है वो इक्वेलिटी चाहते थे But some of the जो उन्होंने अपोज रूलिंग क्लास रूलिंग क्लास को अपोज करने का सवाल ही नहीं था बिकॉज ये हिंदू रिलीजन का आपसी मामला था एंड रूलर जो है बेसिकली इस्लामिक पर्सन था एंड इन दैट कैपेसिटी इस्लामिक रूलर को क्रिटिसाइज नहीं किया तो इस्लामिक रूलर अलाउड कि आपको जो करना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड इज द राजपूत ब्राह्मण अलायंस होती उनको किया जाता है एंड फिर वो जो है मूवमेंट को रूथलेसली सप्रेस भी कर देते बट नाउ सिंस रूलर वॉज इस्लामिक इन नेचर उनको क्रिटिसाइज करना कोई सेंस नहीं बनता था बिकॉज दे वर नॉट इंटरफियरिंग इन टू द रिलीजियस मैटर तो इन कैपेसिटी रूलिंग क्लास का कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ वन ऑफ द रीजन भक्ति मूवमेंट जो इतनी चली क्यों एंडर आफ्टर फिर इंक्रीजिंग अर्बन क्लास राइट लोग जब रिच बनेंगे तब उनको बेसिकली इक्वलिटी बेस्ड रिलीजन जो है वो लगेगा एंड इक्वालिटी बेस्ड रिलीजन जब लगेगा तो एक तो आपका वो रिलीजन छोड़ के जाएंगे

तो जो डैमेज महाजनपदा पीरियड में हुआ उतना सिग्निफिकेंट डैमेज तो दिखाई नहीं दिया है बट प्रोसेस इज सेम उस जमाने में अल्टीमेटली 62 अलग रिलीजन निकले थे आर्यनिकल रिलीजन से अब के टाइम पे हिंदू रिलीजन से एक ही सिग्निफिकेंट रिलीजन निकला दैट इज सिखिज्म तो इसके ऊपर भी अब बात करेंगे धीरे धीरे तो सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर आई होप इट इज क्वाइट क्लियर नाउ विल मूव ऑन टू द दशियो रिफॉर्मर और यू कैन से दैट ये जो भक्ति सेंट है ये एक्सैक्टली exactly थे कॉन तो भक्ति सेंट की थोड़ी सी बात करते हैं सबसे पहले जो है भक्ति मूवमेंट जो है इट वॉज ऑलवेज मोनोथेस्टिक मूवमेंट मोनोथेस्टिक मूवमेंट मतलब मोनो मतलब बेसिकली सिंगल गॉड जो है उसकी आपको बेसिकली प्रार्थना या फिर उसके ऊपर भक्ति जो है वो करनी है तो हिंदू रिलीजन इज ऑलवेज पॉलीथेजम एंड फिर पॉलीथेजम में प्रॉब्लम क्या होता है कि ब्राह्मीणीकल लोग हैं उनको बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है वो आपको हर दिन जो है बेसिकली दान दक्षिणा के नाम पे जो लूटने का काम करेंगे एंड इन दैट कैपेसिटी पॉलीथीजम इज नॉट गुड मोनोथज इज अ गुड ये वाला कंसेप्ट जो है ये रामानुजा ने ही पहले से लाया था कि मल्टीपल गॉड आर देयर अब किसी एक भगवान को मानो और उसकी मूर्ति को मानो तो ये मोनोथीज्म जो रामानुजा ने चालू किया था उसी को अब ये बेसिकली अडॉप्ट करने का काम जो है कबीर एंड आफ्टर गुरु नानक ने किया एंड कबीर पहले पढ़ेंगे फिर कबीर बेसिकली वॉज इन टू पाथ ऑफ लॉ तो कबीर जो है इक्वेलिटी की वर्णाश्रम धर्म वाली जो कंसेप्ट है वो नहीं होनी चाहिए इक्वेलिटी बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए जो रिचुअल्स है उसको भी कबीर ने क्रिटिसाइज कर दिया एंड आइडल वर्शिप जो है उसको भी क्रिटिसाइज किया एंड दर आफ्टर वी कैन क्लियरली सी ओनली मन से मानो इन दैट कैपेसिटी जो एक्चुअल में आदि शंकराचार्य वाला जो वर्जन है उसको कबीर ने सब्सक्राइब कर लिया कि दिल से मानो मन से मानो ना मूर्ति पूजा करने की जरूरत है ना आपको कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करने की जरूरत है मन से मानो अंडर अंडर बिलीव बिलीव इन इन देन पाथ ऑफ लव अपार्ट फ्रॉम दैट कबीर ऑल्सो बिलीव इन आइडिया ऑफ वन गॉड कि रिलीजन कोई भी हो अल्टीमेटली भगवान एक ही है सबका मालिक एक एंड इन दैटेसिटी कबीर वॉज वन ऑफ द अर्लीएस्ट भक्ति मूवमेंट के पर्सन

ंग हिंदू है, है मतलब भक्ति सेंट ये अमोंग ऑल भक्ति सेंट में ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसका एक हमारे पास रीजन भी है कि जब गुरु नानक ने अपना सेपरेट रिलीजन बनाना चालू किया तो उन्होंने बहुत सारे जो दोहे है या फिर कपलेट जो है बाकी के हिंदू जो ये थे रिफॉर्मर उनके भी डालना चालू किए अपने आदि ग्रंथ में एंड फिर ये बुक में अल्टीमेटली मैक्सिमम नंबर के नॉन सिख बंदे के अगर कोई के ये रहेंगे दोहे रहेंगे तो वो कबीर के है तो ये जो एस्पेक्ट है इसके वजह से वी कैन से दैट कि कबीर इज ऑलवेज हैविंग प्रियमिन पोजिशन अमॉन्ग पैंथियन

बट ऑबियसली सर्टन सिचुएशन हैपन जिसके ऊपर हम लोग लेटर मुगल पीरियड में देखेंगे भी कि जिसके वजह से सिख रिलीजन जो सेपरेट होना चालू हुआ फ्रॉम द हिंदू रिलीजन तो ये जो है फाउंडेशन ऑफ द न्यू रिलीजन वी कैन से डेट उन्होंने ही रखा एंडर आफ्टर ही बिलोंग टू द खतरी क्लैन सो ही वॉज अ ट्रेडिंग क्लैन से बिलोंग करने वाले पर्सन एंड ही वॉज बेसिकली बॉर्न इन नानकाना साहिब जो पाकिस्तान में है डिनाउंसमेंट ऑफ द रिचुअल एंड सिम्बॉल ये इन्होंने भी किया कबीर ने भी किया आफ्टर फिर इनका जो कंपाइलेशन है इन्होंने जो अपनी मल्टीपल टीचिंग दी उसको कंपाइल करने का काम जो आदि ग्रंथ ने किया आदि ग्रंथ जो है बेसिकली फिफ्स सिख गुरु जो है गुरु अर्जन देव उन्होंने लिखा हुआ था ये एक्चुअल में लिखा हुआ था गुरु नानक ने ही एंड फिर गुरु नानक जो है उनके बाद ये वाला जो ग्रंथ जो है बेसिकली गुरु अर्जन देव के पास आया जो फिफ्थ सिख गुरु थे तो गुरु अर्जन देव जो है उन्होंने अल्टीमेटली पहले पांच सिख गुरु जो है मतलब इनके पहले के हुए चार सिख गुरु एंड फिर अपना तो ऐसे सबके जो बेसिकली दोहे है या फिर कपलेट है वो आदि ग्रंथ साहिब में डालें एंड आदि ग्रंथ साहिब इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज राइट नाउ ये सिख गुरु की अथॉरिटी है आदि ग्रंथ साहिब में है एंड आदि ग्रंथ साहिब इज बेसिकली प्लेस्ड इन अमृतसर गोल्डन टेम्पल अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसमें आदि ग्रंथ रखा हुआ है एंड उसमें से फिर हर दिन जो है ट्वेंटी फोर बाय सेवन पठन या फिर जो बेसिकली रिसाइटल ऑफ द दोहे जो है वो चालू रहता है तो कंपाइलेशन ऑफ द टीचिंग जो है ये बेसिकली इनकी लेटर ऑन फिफ्थ सिख गुरु दैट इज गुरु अर्जन देव ने करके रखी थी इनके प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है ही ऑलवेज इन एंड दैट्स बेसिकली इन्होंने तीन एस्पेक्ट निकाल के रखे थे, के लगे थे लंगर संगत एंड पंगत तो लंगर ऑब्वियसली कलेक्टिव कुकिंग एंड शेयरिंग ऑफ द फूड ये काफी सिग्निफिकेंट है अगेन बिकॉज वी कैन क्लियरली सी कि अगर आप बेसिकली हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो देन हिंदू रिलीजन में कास्टिज्म बहुत होता है एंड इन दैट कैपेसिटी आप सिर्फ अपने कास्ट के लोगों के साथ ही खाना खा सकते हो ऐसा एक अनसंग रोल था डेट पीरियड ऑफ टाइम तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए अल्टीमेटली लंगर इट विल किचन जहाँ पे कोई भी बंदा जो आके खाना बना भी सकता है एंड दर आफ्टर कोई भी बंदा आके खाना खा भी सकता है एंड दैट लंगर वाला जो कंसेप्ट है काफी सिग्निफिकेंट था बिकॉज इट नॉट ओनली प्रीच इक्वेलिटी ये ग्राउंड लेवल पे इक्वालिटी इम्प्लीमेंट करने का भी एक टूल है दर आफ्टर फिर पंगत एज फार एज पंगत जो है ऑब्वियसली कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ फूड का ही है कि जैसे ही आपका लंगर में जाओगे तो आप एक पंगत में बैठोगे मतलब आप सबके साथ बैठोगे आपको नहीं पता आपके आजू बाजू वाला बंदा कौन है एंड पता भी है तो भी आप बैठोगे एंड खाना खाओगे बिकॉज इक्वेलिटी है एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी सिर्फ बोलने से नहीं आती कुछ करना भी पड़ेगा तो दैट्स लंगर एंडर आफ्टर पंगत एंडर आफ्टर संगत संगत इन देंस दैट कि जैसे ब्राह्मी निकल मोनोपोली में ब्राह्मणा इज द प्राइमरी डिसीजन मेकर जो ब्राह्मण बोलेगा उसी दिन आपको कोई चीजें करनी पड़ेगी जैसे ब्राह्मण बोलेगा वैसे आपको करनी पड़ेगी सिख रिलीजन में ये नहीं चलेगा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी एंड फॉर दैट परपज संगत जो है ये वाला कंसेप्ट भी लेके आए थे कि जब जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं तो वो रैशनल डिसीजन हो एंड संगत के साथ हो मतलब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग वाले हो एंडर आफ्टर फिर सोशल हारमोनी प्रमोट करने के लिए हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जी का एक दाता मतलब वही है सबका मालिक एक आफ्टर फिर एक ओंकार सतनाम एक ओंकार मतलब एक ओंकार है is, एक ईश्वर है उसके हजार नाम हैं बट है तो एक ही तो वही जो कबीर वाला जो पंगा है वही वाला हमको यहाँ पे दिखाई देता है एंडर आफ्टर फिर गुरु नानक जो है उन्होंने अल्टीमेटली मोटो भी दिया था कि कीरत करो नाम जो वंद चखो मतलब वर्क वर्शिप एंड शेयर ये भी अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल हारमोनी है उसको प्रमोट करता है आफ्टर उन्होंने एक दासवंद नाम की है वो भी लाई थी अपने सेक्ट के लिए कि उनके सेक्ट के जो भी बंदे रहेंगे वो अपना जितना भी अर्निंग रहेगा उसका वन जो है वो बेसिकली डोनेट करेंगे फॉर द रिलीजियस परपज या फिर अमॉन्ग द नीडी पर्सन एंड दर आफ्टर सेवा जो है वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है सिख रिलीजन का रहा है कि इर रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन का सेक्स क्रीड अगर आप ये जो है सिख रिलीजन ज्वाइन करते हो देख आपको इलेबोरेट सेवा जो है देनी पड़ेगी तो सेल्फलेस डिवोशन या फिर सेवा जो है वो भी करनी पड़ेगी एंड एंडर आफ्टर ये दोनों के बीच में वी कैन से दैट कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स की बात करते हैं कि अल्टीमेटली यूनिटी ऑफ आइडिया एंड इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है कि मोस्ट ऑफ द मोनोथेस्टिक मूवमेंट जो है दैट बिलोंग टू द लो कास्ट बीट कबीर बीट नानक दोनों जो है बेसिकली लोअर कास्ट ही माने जाते हैं लोअर वर्ण के माने जाते हैं खतरी काल जो है ये बेसिकली वैश्य वर्ण से एसोसिएटेड है एंड हियर यू कैन क्लियरली सी कि अल्टीमेटली यही लोअर वर्ण या फिर लोअर कास्ट जो है इन्होंने जैसे ही ब्राह्मणिकल क्षत्रिय मोनोपोली चली गई देन अपनी पोजिशन इंप्रूव करने के लिए क्या किया अब बेसिकली रेवोल्यूशन या फिर रिवॉल्व जो है वो करना चालू कर दिया देर आफ्टर फिर निर्गुण फॉर्म ऑफ द भक्ति दो टाइप के सेंट होते हैं एक निर्गुण एक सगुण सगुन जो है वो बेसिकली मूर्ति पूजा में यकीन रखने वाले लोग हैं निर्गुण जो है ये मूर्ति पूजा में यकीन ना रखने वाले लोग हैं एंड मोनोथज निर्गुण जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज बोथ नानक एंड दर आफ्टर कबीर दोनों जो है ये निर्गुण सेंट है मतलब दे आर बेसिकली नॉन आइडोलेटर मूर्ति पूजा में यकीन रखने वाले लोग नहीं है ये दर आफ्टर फिर ऑर्थोडॉक्स एंड सुपरस्टिशन इन दोनों को क्रिटिसिजम करने का भी काम किया इन्होंने ऑर्थोडॉक्सियन ये जो है सुपरस्टिशन वो नहीं चलेंगे तो जब आप एंड को क्रिटिसाइज़ करते हो तो एट आप क्यों आपके सोसाइटी में उसका फायदा ब्राह्मणास को होता है right. फिर, language, की लैंग्वेज यूज करेंगे संस्कृत यूज नहीं करेंगे अभी एंशियंट टाइम्स ही हमने देखा है कि इंडिया में हमेशा से ही संस्कृत जो उसको आउटसाइड लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है एंड ये लैंग्वेज जो है एज सच लोगों को नहीं आती है जो इंडिजीनियस लैंग्वेज है दैट इज प्रकृत एंड इट्स एसोसिएटेड वर्जन इनको अल्टीमेटली अडॉप्ट करने का काम जो है इन्होंने किया तो जैसे बुद्धिज़्म जैनिज्म ने पाली प्रकृत को जो पैट्रोनाइज किया था वैसे इन्होंने भी कॉमन लैंग्वेज में ही अपने जो बेसिकली अपने दोहे अपने जो प्रिंसिपल है वो देने चालू किए सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड इट एंड पीपल जो है उनको फॉलो करने लगे एंडर आफ्टर फिर एक्सपेंसिव ट्रैवल जो है ये भी इन्होंने किया कि मोनोथे सेंट जो है ये वाइडली प्रोपोगेटेड है मतलब बेसिकली ये जगह जगह पर जाते थे और अपने प्रिंसिपल जो है बताने का काम करते थे तो फॉर एग्जाम्पल नामदेव जो है महाराष्ट्र के मोनोथे सेंट है वो नॉर्थ में आए थे एंड फिर नॉर्थ में आने के बाद उनके जो बेसिकली दोहे या फिर उनके जो बेसिकली अभंग वी कैंड सी डेट जो है, जो है वो आदि ग्रंथ साहिब में भी एनश्राइंड है तो एक्सपेंसिव ट्रेवल जो ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है मोनोथेस्टिक मोमेंट का एंड फिर मोनोथेस्ट मोमेंट में अल्टीमेटली अब डिफरेंट डिफरेंट और जो लोग हैं उनके ऊपर भी देखेंगे सबसे पहले रामानंद रामानंद को ट्रेडिशनल लेवल पे माना जाता है कि इट वाज ही हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द आइडियाज ऑफ रामानुज टू द नॉर्थ इंडिया एंड इन दैट कैपेसिटी इट वाज रामानंद जिन्होंने इनिशियल लेवल पे नॉर्थ इंडिया में जो है राम भक्ति को प्रोपोगेट करने का काम जो है वो किया था राम बिकेम इम्पॉर्टेंट गॉड ऑनली फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड बट सोसाइटी में इतना नाम नहीं चल रहा था जो सेंचुरी सेंचुरी ऑनवर्ड जो है स्प्रेड होना चालू हुआ एंड फिर इट वॉज रामानंद जिन्होंने इनिशियल पे राम भक्ति जो है वो करना चालू कर दी ना रामानंद काफी सिग्निफिकेंट नेम है बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ द राम कल्ट इन नॉर्थ इंडिया एंड ऑब्वियसली फिर राम जो है उनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है, well so है राम का रामानंद ने किया देर आफ्टर लैंग्वेज ऑफ द मासेस वेयर यूज एंड देर आफ्टर वाइडर रीच भी था मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ऑब्वियसली इट वॉज एक्सेबल टू ऑल इेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट जो फाउंडर जो थे वी कैन से डॉट कबीर नानक वही लोअर कास्ट से थे एंड इन दैट कैपेसिटी तभी से जितने भी रिफॉर्मर हुए या फिर जितने भी भक्ति सेंट हुए उन्होंने सम सॉर्ट ऑफ द एक्सेस जो लोअर कास्ट को देना जो है वो चालू कर लिया था एंड दिस इज समथिंग क्वाइट सिग्निफिकेंट जिसके वजह से अल्टीमेटली वैष्णव भक्ति जो है इंडिया में मैक्सिमम लेवल पे फैली एंड आफ्टर फिर शिव भक्ति जो है वो बेसिकली इतनी ज़्यादा नहीं फैल पाई इट वॉज चर्निंग ऑफ दिस पीरियड ऑफ द टाइम जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में विष्णु से एसोसिएटेड जो दो अवतार है दैट इज कृष्ण भक्ति राम भक्ति अब फैलना चालू हुई तो एंशियंट पीरियड में एंडर आफ्टर अर्ली मिडियल पीरियड में जो शिवा एंडर आफ्टर विष्णु की जो पोजीशन थी अब वो धीरे धीरे किसके पास जाने वाली है राम एंडर आफ्टर कृष्ण एंड यही राम एंड कृष्ण भक्ति जो है नॉर्थ में आज भी काफी इलेबोरेट लेवल पे चलती हैचार्यस्वर एज वलार्य कंसर्न ओके बिलोंग टू द दिफ्टीन एंड सिक्स सेंचुरी और उन्होंने अपना पुष्टि मार्ग दिया था पुष्टि मार्ग मतलब नहीं करेंगे भक्ति जो है उसको हम लोग फॉलो करेंगे दैट इज वे ऑफ ग्रीस एंड आफ्टर उनके जो फॉलोअर है उनको वल्लभ संप्रदाय भी बुला, बुलाय, बुलाया जाता है इनके जो डिसाइपल जो है ऑब्वियसली वो कृष्ण भक्ति में यकीन रखने वाले लोग हैं तो कृष्ण भक्ति राम भक्ति दोनों है तो विष्णु के ही अवतार तो ये वैष्णविज्म जो इतना फैला इंडिया में एज कम्पेयर टू शैविज्म उसका वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजन है जब साउथ इंडिया से अलवार अलवार जो, जो है वो बेसिकली है 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 जो इन्होंने साउथ इंडिया में अपना कल्ट फैलाना जब चालू किया तो यहां से ये कल्ट जो है महाराष्ट्र के अराउंड फैला एंड महाराष्ट्र में आपको दोनों की भक्ति दिखाई देगी बट जब ये महाराष्ट्र से नॉर्थ में और फैला तो सिर्फ वैष्णविज्म ही सबसे ज्यादा आया बिकॉज ऑफ दिस पीपल पहले वल्लभा सॉरी रामा रामानंद रामानंद के बाद वल्लभाचार्य एंड आफ्टर अभी और एक दो देखेंगे जो सारे जो है इम्पोर्टेंट प्रोमिनट्स एंड ये वैष्णविज्म से ही एसोसिएटेड थी एंड ऐसा फिर अल्टीमेटली नॉर्थ में थोड़ा सा वैष्णोविज्म का इंफ्लुएंस ज्यादा है महाराष्ट्र में दोनों का चलता है साउथ में थोड़ा सा शेविज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज हाउ दिस एंटायर रिलीजन स्प्रेड ड्यूरिंग लेट एंशेंट एंड अर्ली मीडियबलरियड देर आफ्टर ग्रोथ ऑफ द पॉपुलर बेस्ड जो है लेटर ऑन तुलसीदास डिसाइपल है इन्होंने अल्टीमेटली वल्लभाचार्य को क्या किया पे पहुंचा दिया। फिर में चैतन्य नाम के एक सेंट हुआ जो वैष्णव सेंट ही थे एंड इन दैट कैपेसिटी उन्होंने बंगाल में ये सारी की सारी रिफॉर्म मोवमेंट है वो क्या की स्प्रेड की हमने एक बंदा भी देखा था कि आसाम में किंग था दैट इज सु he was basically converted into vaishnavi religion by lord chaitanya so chaitanya and chaitanya jo hai unhone shuhunga muhunga ko ultimately vaishnavi religion mein jo convert bhi kiya tha to assam wala jo area hai wahan pe bhakti movement ke through pura religion spread karne ka kaam jo hai inhone hi kiya but he had that brahminical tendency whereby upper caste, lower caste कास्ट वाला जो वर्णाश्रम धर्म है जो इन्होंने कंटिन्यू रखा तो ये इनका एक लिमिटेशन भी माना जाता है एंड आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग इज दैट कि बंगाली सोसाइटी में आफ्टर आसामी सोसाइटी में वैष्णव भक्ति एंडर आफ्टर हिंदू रिलीजन स्प्रेड इन्होंने ही किया एंडर आफ्टर भक्ति मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज आई टोल्ड यू कि साउथ इंडिया से भक्ति पहले महाराष्ट्र में ही आई एंड फिर महाराष्ट्र से अल्टीमेटली नॉर्थ में फैली थी एंड महाराष्ट्र इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ लिंच पिन इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ का भक्ति मूवमेंट एंड फिर महाराष्ट्र में मल्टीपल सेंट हुए एंडर आफ्टर उनके वर्क जैसे ज्ञानेश्वर सबसे पहले थे जिन्होंने महाराष्ट्र में बेसिकली भक्ति मार्ग जो है वो प्रोपाउंड किया एंड आफ्टर उनके जो दोहे है कपलेट है हाइम्स है उनको अभंग भी बोला जाता है एंड फिर पहले ज्ञानेश्वर दर आफ्टर फिर नाम नामदेव एंड दर आफ्टर फिर अल्टीमेटली एक नाथ एंड तुकार इंपॉर्टेंट सेंट है महाराष्ट्र के जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति मोवमेंट जो है वो स्प्रेड की तो ये वाला जो फैक्चुअल डाटा है थोड़ा सा अपने लेवल पे कर लेना दर आफ्टर फिर नेक्स्ट होने सूफी मोवमेंट तो भक्ति मोवमेंट जो है आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है इट वॉज अ काइंड ऑफ द रिफॉर्मस मोमेंट इन नॉर्थ साउथ में इतनी नहीं थी तो इनके क्या रीज़न थे कि ये साउथ में पहले फैली दर आफ्टर नॉर्थ में आई एंड दर आफ्टर इनके इम्पोर्टेंट भक्ति सेंट जो है वो सारे अब हमने कवर अप कर लिए सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज बेसिकली द सूफी मोमेंट टॉकिंग ऑफ सूफी मोमेंट अल्टीमेटली वी कैन से डेट कि जो सूफी मोमेंट जो है वो इस्लामिक लिबरल मोमेंट है तो इस्लामिक लिबरल मोमेंट मतलब क्या तो जैसे हिंदू रिलीजन का जो प्रॉब्लम था सैक्रिफाइस एंड फिर यही सेक्रीफाइज को कम करने के लिए अल्टीमेटली भक्ति मोमेंट जो है ये कंसेप्ट ऑफ जिहाद मतलब देर इज वन बेसिकली दार उल काफिर मतलब बेसिकली देर इज अ लैंड ऑफ काफिर लैंड ऑफ काफिर मतलब लैंड ऑफ नॉन इस्लामिक पर्सन इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू लैंड ऑफ इस्लाम मतलब दारुल हर्ब ओके okay? तो लैंड ऑफ इस्लाम जो है उसमें अल्टीमेटली आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है तो एक काफी रोग का लैंड है नॉन इस्लामिक लोगों का लैंड है उसको आपको इस्लामिक लैंड में कन्वर्ट करना है फॉर दिस परपज आपको एक जिहाद करना पड़ेगा जिहाद इज नथिंग बट अ रिलीजियस वॉर एंड जब आप रिलीजियस वॉर करोगे मतलब ये एरिया पे अटैक करोगे यहाँ के लोगों को इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट करोगे इसको आप बोलोगे जिहाद एंड फिर ये जिहाद करने वाला जो बंदा है उसको आप बोलोगे मुजाहिद तो यही मुजाहिद जो है अल्टीमेटली ही विल गो टू द पाथ ऑफ सेल्वेशन तो अगर आपको सेल्वेशन चाहिए मुक्ति चाहिए देन आपको तो ये जिहाद करना पड़ेगा एंड ऑबियसली अब ये ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट है जैसे हिंदू रिलीजन में सेक्रीफाइजिस वाला था तो अब ये वाला जो वॉयलेंस है हमारे इसमें ये था उनमें ये है तो इसको चेंज करने के लिए अल्टीमेटली सूफी रिलीजन जो है वो आया सूफी जो है उनका कहना था कि आपको ये बेसिकली जिहाद करने की जरूरत नहीं है आपको सूफी पाथ मतलब सूफी तरीका जो है ये बेसिकली क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा फॉर द पाथ ऑफ मोक्ष या फिर सेल्वेशन आपको सेल्वेशन चाहिए ना आप सूफी तरीका फॉलो करो यानी फिर ये सूफी तरीका होता क्या है कि अल्टीमेटली आप जो है अल्लाह से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कम्युनियन विद द डिवाइन रियालिटी एंड फिर ये कॉन्टेक्ट जो है वो करने के लिए आपको जो है बेसिकली मल्टीपल स्टेजेस से पास होना पड़ेगा जिसको आप बोलोगे मकमत एंड फिर ये जो पर्टिकुलर जो मल्टीपल स्टेजेस से आप पास हो गए उसमें आपकी जो फाइक साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा एंड वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू अल्टीमेटली आप जो है अल्लाह के साथ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करोगे और यू विल एक्सपीरियंस द गॉड तो आपको अगर गॉड एक्सपीरियंस करना है मतलब मुक्ति चाहिए तो आप बेसिकली ये स्टेजेस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो एंड फिर ये स्टेजेस आपको बताएंगे कौन देन ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल गुरु रखना पड़ेगा दैट इज शेख पीर या फिर मुरीद तो अगर आप शेख पीर एंड मुरीद रखोगे वो बंदा खुद ये स्टेजेस से पास आउट हो गया है देन फिर वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली exactly कैसे आप भगवान या फिर अल्लाह के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो करोगे एंड इन दैट कैपेसिटी ये वहादत उल वजूद के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड पीपल तो ये वहादत उल वजूद जो है ये हमेशा से बेस रहा है सूफीज्म का एंड इन दैट कैपेसिटी ऑर्थोडॉक्स सुन्नी इस्लामिक रिलीजन जो इसके अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं बिकॉज सुन्नी इस्लामिक रिलीजन में जो बेसिकली अल्लाह होता है ये अल्लाह जो है ही इज इिप्लेबल या फिर ही इज अबो ऑर्डिनरी पीपल नोबड़ी कैन टेक हिज प्लेस बट ये लोग मानते हैं कि भाई अल्लाह एंड आफ्टर इंसान एक ही है तो ये जो है बेसिकली इनका बेस है इसी के ऊपर इन्होंने अपनी फिलासॉफी बनाई है एंड आफ्टर जो डिसाइपल होगा दैट इज मुरीद ये जो डिसाइपल है ये मल्टीपल स्टेजेस से पास होगा एंड फिर ये पास करने के लिए उसको अल्टीमेटली बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका इज इज बेसिकली टोटल बेसिकली वॉट देन ऑब्वियसली भगवान का नामकरण करना मतलब जिक्र करना एंड अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिकल रिसाइटेशन मतलब म्यूजिकल गैदरिंग दैट इज समा भी करेंगे तो ये काफी प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना पड़ेगा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली मोमेंट है आप बेसिकली जिहाद अंडर आफ्टर मुजाहिद मत बनो वो वॉयलेंस वाला तरीका उसको छोड़ दो आप बेसिकली अल्टरनेट तरीके पे आओ अल्टरनेट तरीका मतलब सुफिजम वाला तरीका इसमें क्या होगा आपका एक शेख होगा आपका एक पीर होगा मतलब आपका एक गुरु होगा आप बेसिकली शिष्य डिसाइफल या फिर मुरीद रहोगे ये गुरु आपको तरीके बताएगा कि कैसे ये बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो की जाएगी ट पर्पज आपको जिक्र दैट इज भगवान का नामकरण करना पड़ेगा एंड आफ्टर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज बेसिकली समा दैट इज म्यूजिकल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड वाया दिस वे आपका एक स्परिचुअलिंग होगा एंड वाया स्पिरचुअलिंग वहादत उल वजूदी गॉड ये वाला कंसेप्ट का बेस है जो ऑर्थोडॉक्सन्नी इस्लामिज्म के अगेंस्ट जाता है बिकॉज सुन्नी इस्लाम जो है वो अल्लाह के पास अगर आपको जाना है तो आपको जिहाद करना पड़ेगा आपको मुजाहिद बनना पड़ेगा ये वाली फिलासॉफी बताता है एंड फिर ये जो सूफी सेंट है इनके जो रेसिडेंशियल प्लेसेस है उसको हॉस्पाइसिस मतलब कंखा भी बोला जाता है तो ये जहां पे रहते हैं वहां पे आप जाओ इनसे मिलो आफ्टर इन्होंने अगर आपका शिष्य बना लिया अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द बेस ऑफ द सूफिज्म कि सूफिज्म एक्जैक्टली होता क्या है तो so, बस एक लाइन में याद रखना जैसे हिंदू रिलीजन में भी एक रिफॉर्मिस मोवमेंट है भक्ति मोवमेंट उपनिषदिक मोमेंट इस्लामिक रिलीजन का रिफॉर्मिस मोवमेंट इज बेसिकली सूफी मोवमेंट तो ये इंडिया में एक्जैक्टली exactly फैला कैसे तो so, इंडिया में अर्लीस्ट लेवल के जो बेसिकली सूफी सेंटर उनका नाम है अल हुजवेरी अल हुजवेरी जो है ऑब्वियसली वो इलेवेंथ सेंचुरी में इंडिया में आए बिकॉज इलेवेंथ सेंचुरी ऑनवर्ड जो है बेसिकली मंगोल इन्वेजन सेंट्रल एशिया में चालू हुआ इससे बचने के लिए मल्टीपल सूफी सैन जो इंडिया की तरफ आए एंड फिर उसमें वन ऑफ द अर्लिएस्ट वन ऑफ अल हु एंड इनके बाद अल्टीमेटली सेंचुरी के बाद बाई द टाइम ऑफ द फोर्टीन सेंचुरी मल्टीपल न्यू कनखास कनख्वास मतलब अभी हमने देखा था जो रेसिडेंशियल प्लेसेस है किन के सूफी सेंट के वो नॉर्थ इंडिया में फैलने चालू हो गए एंड इनका जो एक्सटेंड जो है वो मुल्तान एंड बंगल्स में रहा है तो मुल्तान से लेके बंगाल में अर्लीस्ट लेवल पे इनका एक्सटेंशन हुआ इन बाय फोर्टीन सेंचुरी एंड फोर्टीन सेंचुरी के जो ट्रैवलर है वो हमें बताते भी है कि मोर देन टू थाउजेंड सूफी मॉन्ग जो है या फिर सेंट जो है ये फैले हुए हैं इन द नॉर्थ इंडिया एंडर आफ्टर इनका राइज एंड फॉल इन इंडिया जो है बेसिकली ये सारा का सारा जो राइज एंड फॉल जो है ये अभी हमने देखा कि राइज जो है मंगोल इन्वेजन सेंट्रल एशिया में हुआ इसके लिए सेंट्रल एशिया से ये इंडिया में आए एंड फिर फॉल जो है ये इनका इसी की वजह से हुआ बिकॉज इंडिया के मेजोरिटी ऑफ द रूलर जो है वो सुन्नी ऑर्थोडॉक्स को फॉलो करने वाले लोग हैं एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर का नाम अगर रहेगा तो वो बेसिकली औरंगजेब औरंगजेब के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द सूफी सैन जो है इंडिया से वापस सेंट्रल एशिया की तरफ चल दिए बिकॉज फिर सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी जो है वो औरंगजेब ने इंडिया में इंट्रोड्यूस भी करके रखी थी देर आफ्टर फिर इनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर देखेंगे हर एक पर्टिकुलर सूफी पीर जो होगा उसका अपना एक सिलसिला होगा सिलसिला का मतलब क्या होता है इट इज नथिंग बट एन ऑर्डर ये ऑर्डर मतलब जैसे हिंदू रिलीजन में पंथ होते हैं सेक्ट होते हैं संप्रदाय होते हैं ये लोग इसको सिलसिला बुलाते थे तो हम पंथ बोलते हैं ये लोग इनको सिलसिला बुलाते हैं बट हर एक सिलसिला मतलब हर एक पीर जो है उसका एक बेसिकली ऑर्डर तो दो ऑर्डर इंडिया में सबसे ज्यादा चलते हैं एक शुहरावर्दी ऑर्डर है एंडर आफ्टर एक सूफी ऑर्डर है तो so, टॉकिंग ऑफ द शुहरावर्दी ऑर्डर एंड सूफी ऑर्डर बस दो तीन फैक्चुअल डाटा इनमें आपको याद रखना है जो मैं बताऊंगा आपको वही बाकी के तो मैं यहाँ पे देखे रखे दैट यू विल डू सबसे पहले जो है बेसिकली शुहरावर्दी सेक्ट जो है इसके जो फाउंडर जो है उनका नाम है बहाउद्दीन झकारिया तो बहाउद्दीन झकारिया इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर शुहरावर्दी सेक्ट ये जो लोग हैं ये बेसिकली कोर्ट एम्प्लॉयमेंट में यकीन रखने वाले लोग हैं किंग का एम्प्लॉयमेंट लेने वाले लोग है मतलब बेसिकली आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑस्टियर या फिर एंड इन दैटिटी शोहरा वर्दी सेक्ट जो है वो कोर्ट एम्प्लॉयमेंट राजा की मदद लेना याकि सुल्तान की मदद लेने में बिलीव रखने वाले लोग है एंड फिर ये वाला जो ऑर्डर है चिष्टी ऑर्डर के एकदम अगेंस्ट जाता है एक और ऑर्डर है इंडिया में देट इज चिष्टी जो बेसिकली शेख मोइनुद्दीन चिष्टी से बिलोंग करता है नॉ शेख मोइनुद्दीन चिष्टी का कहना है कि कोर्ट एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं लेनी आपको कोर्ट से दूर रहना है एंड आपको सिंपल लाइफस्टाइल या फिर ऑस्टियर लाइफस्टाइल है वो जीनी है ऑफ ऑफ द एंड ने लॉट्स हिंदू जो है वो भी अडॉप्ट करके रखी थी जैसे हेड मतलब बेसिकली टक्कल करना अपना द सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है जो राह चलते लोग हैं उनको पानी ऑफर करना या फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है अगर कोई गेस्ट आता है देन उनके सामने झुकना मतलब नमस्ते करना झुकना तो ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं ये इन लोगों ने अडॉप करके रखी थी तो इन दैट कैपेसिटी मोर लिबरल एज टू इनिटी तो ये बेसिक डिफरेंस बस थोड़ा सा याद रखना है बाकी तो आपको डाटा जो है यहाँ पे मिल जाएगा सबसे पहले शुहरावर्दी सिलसिला के जो फाउंडर है वो है शेख बहाउद्दीन जकारी उनका जो सेंटर जो है वो मुल्तान सिंध के अराउंड का था एंड इनका जो कनखा जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट कनखा भी है लाइफस्टाइल जो इनकी काफी बेसिकली पुअर में बिलीव नहीं रखते दे डो नॉट बिलीव इन पुअरिटी एंड कोर्ट पैट्रोनेज में ये यकीन रखने वाले लोग हैं पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने वाले लोग हैं इट जा, वॉज बहाउद्दीन झकारिया जिन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे इतमिश को सपोर्ट भी किया था अलतमिश ने इनका सपोर्ट लिया भी अंडर आफ्टर अल्तमिश ने इनको एक टाइटल भी दिया था डेट इज शेखल इस्लाम तो इनको जो टाइटल मिला उसके बाद अल्टीमेटली वी कैन से डेट कि इनका जो सिलसिला जो है थोड़ा सा बिखर गया तो इन दैट कैपैसिटी बेशारा नाम का एक अलग सेक्ट है इनसे या फिर सिलसिला जो है बाहर निकल गया मतलब इनके जो फॉलोवर है लेटर ऑन उन्होंने इन्हीं को क्रिटिसाइज करना चालू कर लिया एंड दे स्टेटेड कि भाई आप जो कोर्ट पैटर्नवाइज लेके बैठे हो वो गलत चीज है एंड इन दैट कैपेसिटी वो वाला ऑर्डर जो बाहर निकला फ्रॉम द शुहरा वर्दी सेक्ट उनको बेशारा बोला जाता है बेशारा मतलब बेसिकली इनलेजिटीट ऑर्डर आफ्टर अल्टीमेटली जो शेख रफीन जो है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है शेख नकिन उदीन अलाउद्दीन खिलजैन मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में थे एंड उनको भी दिल्ली सुल्तान का पैट्रोनाइजेशन जो है वो मिला था एंड तीसरा जो है that is basically इनका इंडिया से कैसे हुआ बाई द टाइम ऑफ द लेट फोर्टीन सेंचुरी फिरोज शाह के अंदर जो है सर्टन रिवाइवलिज्म हुआ था बट उसके बाद में अल्टीमेटली लॉस ऑफ कोर्ट पैट्रोनेज इनके लिए हुआ तो इनको कोर्ट पैट्रोनेज सच नहीं मिला लेटर मुगल्स का पूरा ही कोर्ट पैट्रोनेज इनका चला गया एंड जैसे ही मुगलों के अंदर इनका कोर्ट पैट्रोनेटली इंडिया से ये जो है, वो होना चालू हो गए तो बैराम खान वॉस पर लास्ट पर्सन जिन्होंने इनको सर्टन सॉट ऑफ देशन दिया था बट उसके बाद जो अकबर आए अकबर ऑबलीवर ऑफ द चिष्टी सिलसिला एंड शेख मोइन उद्दीन चिष्टी अजमेर की दरगाह के ऊपर अकबर बहुत बार गए हैं तो इन्होंने अल्टीमेटली इनको पैट्रोनाइजेशन देना जब बंद कर दिया तब इनका रिट्रीट हुआ बिकॉज दे डिपेंडेंट अपॉन द कोर्ट पैट्रोनिज इनकी फिलोसॉफी वही थी कि भाई हम लोग को पॉलिटिकल अफेयर में जाना है एंड कोर्ट पैट्रोनिज लेनी है बट अगर वो नहीं मिला तो ये टिकेंगे क्या नहीं टिकेंगे वही हुआ इनके साथ एंड आफ्टर फिर चिश्ते सिलसिला एज आई टोल्ड यू मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ही वॉज द फाउंडर एंड फिर इनका जो सेंटर है वो अजमेर में हुआ करता था वो अजमेर से अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि मोनुलद्दीन चिष्टी का सिलसिला जो है इंडिया में फैला एंड फिर मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद अल्टीमेटली वी कैन से डाट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके बाद में फिर अल्टीमेटली ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद एंड दर आफ्टर इनको गान शंकर भी बोला जाता है दर आफ्टर बाबा फ़रीद एंड बाबा फ़रीद के बाद अल्टीमेटली वी कैन से डाट शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये इम्पोर्टेंट जो बेसिकली सेंट है सूफी सेंट ये सारे चिश्ती ऑर्डर से ही बिलोंग करते थे एंड फिर निज़ामुद्दीन औलिया के मरने के बाद अल्टीमेटली नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है उनके टाइम पे वी कैन से दैट कि ये जो सूफी सेंट है ये चला बट अल्टीमेटली धीरे धीरे करके इवन सूफी ऑर्डर जो इंडिया से डिक्लाइन होना जो है चालू हुआ धीरे धीरे सूफी ऑर्डर साउथ इंडिया में भी फैला डेक्कन में पहले ये फैले दर आफ्टर इन्होंने सर्टन सॉर्ट ऑफ द रॉयल एम्प्लॉयमेंट लेना चालू कर लिया एंड दैट बिकम द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द सूफी बिकॉज जो इनका एक्चुअल सर्वाइवल का रीज़न था कि कोर्ट से बाहर रहना बट जब आप कोर्ट पे डिपेंड होगे देन आप ऑब्वियसली आप लग्जोरियस लाइफ पे जाओगे एंड जब कोर्ट का पैट्रोनेजी डिक्लाइन होगा देन ऑब्वियसली फिर आपका जो पूरा का पूरा जो सेक्ट है वो भी डिक्लाइन होगा एंड हुआ भी वही कि बाय द टाइम ऑफ द फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी आते आते इवन सूफी सेंट जो है वो इंडिया से डिक्लाइन हो गया तो बस कुछ कुछ ऊपर ऊपर से जो फैक्चुअल डाटा जो उसको याद रखोगे एज फार एज एंटायर सुफिजम या फिर भक्ति सेंटिस कंसर्न कुछ टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है अब इसके बाद अपने आप सॉल्व हो जाएंगे एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है मीन में थोड़े से फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आए हैं तो एज फार एस भक्ति भक्ति कंसर्न देन उसके ऊपर तो हमने इलेबोरेटली पहले भी बात करके रखी है इवन सुज के ऊपर भी हमने पहले बात करके रखी है बट अगेन ये थोड़ा सा उसका क्या है एक्सटेंडेड वर्जन है एंड दैट सम्स अप द एंटायर चैप्टर नंबर इलेवन तो चैप्टर नंबर इलेवन जो है वो भी खत्म हो गया है तो दैट बेसिकली सम्स अप आवर एंटायर सल्तनत तक का पीरियड अब कल से जो है बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग और फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग वॉट देन अकबर नॉट अकबर बेसिकली मुगल्स एंड मुगल्स ऑनवर्ड जो है बेसिकली ज्यादा टाइम नहीं बचा है आई जस्ट रैप इट अप इन अ वीक नॉट मोर देन दैट ओके बट अगेन जाते जाते अब इसके ऊपर बहुत बात जो है मैंने कर ली है बट जस्ट इतना ही बताऊंगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑप्शनल देन सेल चल रहा है एंड सेल चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका फायदा तो उठाना ही चाहिए तो बेसिकली सेल जो है ये इक्कीस अप्रैल ट्वेंटी अप्रैल तक ही लगेगा ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल को ही बैच लॉन्च जो वो हो भी रहा है एंड इन दैट कैपेसिटी ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल जो है उसको ये सेल ख़त्म होने वाला है तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी बता के रखी है कल एंड परसों वाला जो लेक्चर हुआ था लास्ट टू लेक्चर उसमें तो इलेबोरेटली मैंने आपको बताया कि कैसे फाउंडेशन जो है उसमें जो दो इंपॉर्टेंट पिलर थे लेक्चर्स एंड मटेरियल उसमें अब एक तीसरा एक्स्ट्रा पिलर हमने ऐड कर दिया है दैट इज टेस्ट सीरीज And फिर एक कॉम्प्रीनसिव प्रोग्राम आपके लिए मिल रहा है तो अभी आपको के लिए भी और की जरूरत नहीं है सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी एंड फिर ये अफोर्डेबल रेट मिलेगा विद साइनल एंड आज यहीं पे रोक देते हैं सो थैंक यू सो मच गाइस राइट अब बेसिकली विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मुगल बट दैट इज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड चलो गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस ओके स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल